दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंडियन गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लिए एक लाइक जरूर करें। गाइस आज पेरिस ओलंपिक 2024 के जैवलिन थ्रो इवेंट का क्वालिफिकेशन मैच खेला गया, जहां इंडिया के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें, जैवलिन थ्रो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए 84 मीटर के आगे थ्रो करना था, जहां इंडिया के नीरज चोपड़ा ने अपने क्वालिफिकेशन मैच के पहले ही अटेम्प्ट में 89.3 मीटर का थ्रो किया, जहां नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर गए। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने क्वालिफिकेशन राउंड के अपने पहले ही अटेम्प्ट में 86.59 मीटर का थ्रो किया और अरशद नदीम भी क्वालिफाई कर गए। वहीं इंडिया के किशोर जीना ने अपने क्वालिफिकेशन के तीन अटेम्प्ट्स लिए, जहां किशोर ने 80.73 मीटर का थ्रो किया, जहां किशोर जीना का ये परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग था। तो दोस्तों इंडिया की ओर से नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान की ओर से अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गाइस आपको बता दें, जैवलिन थ्रो इवेंट का फाइनल मैच 8 अगस्त 2024 को सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 के जैवलिन थ्रो इवेंट में नीरज और अरशद में से कौन जीतेगा गोल्ड मेडल कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।